गाइज वेलकम माई चैनल। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो गाइज वीडियो देखे अभी भी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो इस वीडियो का आज मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। अगर इंटरेस्टेड है और इस टाइप का वीडियो को मतलब देखना चाहते हैं कि किस टाइप से वीडियो को बनाएं, तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना। और लाइक नहीं की वीडियो को तो अभी तक लाइक कर दे, हमारे चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइज देरी ना करते वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले वीडियो को कुछ इस टाइप से शूट कर लेंगे। शूट करते समय एक चीज ध्यान देना, मतलब आप एक अच्छा से लोकेशन पे भी शूट कर सकते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया जगह पे शूट कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पे चलने वाला दौड़ने वाला कुछ भी एक्टिंग करके शूट कर लेना। इस टाइप से शूट करके रख ही लेना गाइस, बहुत सारा इस टाइप से वीडियो शूट करके रखते हैं तो आप लोगों का बहुत सारा फायदा होने वाला है। क्योंकि आप अगर ट्रांजेक्शन वीडियो बनाते हैं तो ट्रांजेक्शन वीडियो में ये वीडियो जो होता है वीडियो क्लिप्स को छाट छाट के लगाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इस टाइप से वीडियो कुछ शूट कर लेनी गाइस। शूट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस काइंड मास्टर पे, तो चलेगा इस काइंड मास्टर पे चलता हूं। जो इस टाइप का वीडियो बनाने का सबसे इजी प्रोसेस मैं बता रहा हूं, तो प्लस वाला आइकन को टच करना, 9:16 वाले रेशियो को लेना है गाइस। और इस फ्रेम में लेने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, बैकग्राउंड में जाना, आपको जो भी कलर का आप चाहते हैं उस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना। और मैंने जिस टाइप से वीडियो को कहा था शूट करने के लिए, कोई भी अच्छा सा एक्टिंग कर लेना, जैसे मैंने छत पे गाइज यहाँ पर शूट करके रखा हूँ, दिखा रहा हूँ गाइज, मैंने ऐसे चलने वाला छत पे वीडियो को शूट करके रखा हूँ। तो इस टाइप से आप शूट कर लेना दो चार इस टाइप से ट्रांजेक्शन वीडियो अगर बनाना चाहते हैं आप एक अच्छा अच्छा, तो इस टाइप से छत पे हो, कहीं अलग अलग लोकेशन पे हो, गार्डन पे हो, कुछ चलने वाला इस टाइप से वीडियो को शूट कर लेना। आपने भी देखा होगा गाइज कि ट्रांजेक्शन वीडियो में ज़्यादा चलने वाला ही वीडियो अच्छा लगता है। तो इस टाइप से मैंने शूट कर लिया है, तो गाइज दिखा रहा हूँ ये रहा वीडियो। तो इसका जो छोटा छोटा क्लिप मैं इस वीडियो में से निकाल लेता हूँ गाइज, ताकि वीडियो में लगा सकूँ। तो दो क्लिप मुझे चाहिए, तो इसके लिए कैची वाला निशान लगाना है गाइज। और यहाँ पर स्प्लिट प्ले हेड पर स्प्लिट कर देता हूँ, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट वाला है इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद फिर और एक यहाँ से लेना है, ये यहाँ तक कट कर लेता हूँ। स्प्लिट प्लेट करने के बाद गाइज यहाँ से और एक वीडियो मुझे लगाना है, तो इस वाले भाग से मैं लगा लेता हूँ। यहाँ से स्प्लिट टू प्लेट करके इस वाले भाग को यहाँ तक लगा लेता हूँ। ओके गाइज इतना हो गया। अब स्लो मोशन देना है वीडियो में, तो स्लो मोशन देने से पहले मैं गाइज उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके हिसाब से स्लो मोशन डाल दूंगा इस वीडियो में। तो लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, उस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज, वहाँ से इंपोर्ट कर लेना। इसके बाद गाइज यहाँ पर क्या करना, वीडियो जब इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद प्लस वाले यहाँ जो स्प्लिट मेरा ऑप्शन दिख रहा है, ये कैची के साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है इसको टच करना है। इसके बाद यहाँ फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज इसको क्या करना है, सबसे पहले क्रोमा की में जाना है आपको। क्रोमा की में जाना है और की कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेना, इसको इनेबल कर देना, इसको एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट करने के बाद गाइज आपको दिखाता हूँ इस पर स्लो मोशन कैसे करना है। स्लो मोशन करने के लिए इसके स्पीड को स्लो कर देना गाइज, और इसका भी स्पीड को मैं स्लो कर देता हूँ। अब इसका भी अब एक्स्ट्रा पार्ट बन रहा है जो भी कट कर देता हूँ। तो कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट बन रहा है दिखा रहा हूँ गाइज, यहाँ तो इसको कट कर देता हूँ गाइज। और यहाँ से ये इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, और ये इतना करके कट कर देता हूँ। थोड़ा वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ कि किस टाइप से बना गाइज वीडियो को, तो कुछ इस टाइप से लगेगा गाइज। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइज। अब आपको वीडियोज में क्या करना है, कलर इफेक्ट डालना है। तो वीडियो को टच करना गाइज, और इसमें कलर फिल्टर्स में जाना, इसमें बेसिक कलर्स में जाना, और बहुत सारा इसमें कलर फिल्टर है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। मैं ये डाल रहा हूँ गाइज B11, मतलब बेसिक सा फिल्टर में जाके B11 को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ गाइज। इस पर भी B11 फिल्टर में जाके बेसिक सा B11 को यूज कर दे रहा हूँ। ये रहा, तो दोनों में B11 यूज हो चुका है गाइज। अब आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाके इस वीडियो को कर लेता हूँ गाइज एक्सपोर्ट। और इस टाइप के वीडियो को बनाने के बाद एक्सपोर्ट करके टिकटॉक पे गाइज पोस्ट कर देना, बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन वीडियो है। सॉन्ग्स भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, तो आपका वीडियो बहुत सारा व्यू लाइक्स और कमेंट्स आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आई होप अगर वीडियो बनाना सीख चुके तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, हमारे चैनल पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।